जी देखिए, राजस्थान सरकार की बजट घोषणा के क्रम में अजमेर बस स्टैंड पर 6 करोड़ रुपए का निर्माण कार्य होना है, जिसमें इस बस स्टैंड पर रिनोवेशन और रिपेयर संबंधी कार्य किए जाने हैं। इस संबंध में लावण्य एजेंसी जो है जयपुर में, उनके द्वारा इसकी DPR तैयार करके शीघ्र ही प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाएंगे तथा रिनोवेशन और रिपेयर संबंधी कार्य RSRDC द्वारा करवाया जाएगा। इसमें जब बस स्टैंड तैयार होगा तब लोगों को कई तरह की सुविधा भी मिलेगी तथा साथ ही एक नया स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। आप अपनी तरफ से क्या क्या बनाना चाह रहे अपने यहाँ से, अपनी तरफ से तो दी होगी ना राय? देखिए, बस स्टैंड पे प्राथमिकता तो ये रहती है कि यात्रियों को पूरी सुविधा मिले तथा बस स्टैंड पर जो कैंटीन है, दुकान है, यात्रियों के लिए जो भी मूलभूत सुविधाएँ, बैठने का स्थान हो, इनका वेटिंग रूम हो, वो पूर्ण रूप से एक नए तरीके से तैयार रहे, इस संबंध में प्राथमिकता इन चीज़ों की है। तथा जो एंट्री पॉइंट है बस स्टैंड के, हम देखते हैं कि जो एंट्री पॉइंट है जहाँ से बसें एंटर होती है, बाहर निकलती है, वहाँ पर भी एक यात्रियों के अलग से पेडेस्ट्रियन बनाने का प्रस्ताव है ताकि वो किसी तरह के दुर्घटना से बचा जा सके। बिल्डिंग का फ्रंट अच्छा होगा सर, उसके लिए भी अच्छा है कुछ कर रहे हो आप? देखिए, फ्रंट को लेकर भी हमारा प्लान है, इसमें भी कई तरह की टूट फूट होगी और नए निर्माण कार्य होंगे तथा जो 4-व्हीलर आते हैं यहाँ पे यात्री को छोड़ने के लिए, उसके लिए भी एक फ्रंट की तरफ से एक पैसेज बनाया जा रहा है ताकि यात्री को भारी उतार कर कार्य भारी रवाना हो सके। सर, पहले स्मार्ट सिटी में लिया था इस बिल्डिंग को, क्या सर उसका? जी, स्मार्ट सिटी में पूर्व में प्रस्तावित था, लेकिन वर्तमान में उस संबंध में कोई कार्रवाई अभी चल नहीं रही है। तो कब से हो जाएगा सर अपने ये 6 करोड़ वाला काम? ये देखिए, अभी लावण्य एजेंसी जिनके द्वारा इसकी DPR तैयार की जानी है, वो अभी 2-3 दिन में इसका प्रस्ताव भेज देगी यहाँ पे, उस पर हम एनालिसिस करेंगे, संबंधित जो फर्म है जो यहाँ पर निर्माण कार्य करेगी RSRDC, उनके प्रतिनिधि से हम बैठ कर चर्चा करेंगे, तत्पश्चात मुख्यालय अधिकारियों से चर्चा करके इसको अंतिम रूप दे के शीघ्र निर्माण कार्य प्रारंभ करेंगे। जल्दी नई चीज मिलेगी लोगों को देखने के लिए? जी बिल्कुल, मूल स्वरूप तो ये रहेगा, लेकिन कुछ इसमें निर्माण कार्य होंगे, रिनोवेशन भी होगा, कुछ रिपेयरिंग भी होगी, तो निश्चित रूप से एक यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बहुत ही अच्छा एक स्वरूप देखने को मिलेगा बस स्टैंड का। अभी सर वर्तमान में किस तरीके से स्थिति है बिल्डिंग की सर? अब भी हाँ, पूरी तरह से तो जर्जर नहीं है, लेकिन कई जगह ऐसी स्थिति है कि बिल्डिंग जर्जर हो चुकी, पुरानी हो चुकी है, तो प्राथमिकता से उनका हम रिपेयर करवाएंगे। आपका नाम? सुदीप शर्मा, मुख्य प्रबंधक, केंद्रीय बस स्टैंड अजमेर।